The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, पीछे जाते हैं. Okay. So, अब topic है कि अगर किसी को asthma है, किसी को allergic reactions है, किसी को सांस फूलती है, किसी को dust से allergy है, तो ये जो लोग होते हैं ये हमेशा सेंसिटिव होते हैं. इनको कभी भी एलर्जी या अस्थमा के या सांस फूलने के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है. तो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है कि आपको ट्रिगर्स पहचानना, उनको अवॉइड करना. और सबसे पहला स्टेप यही है कि सबसे कॉमन डस्ट वाली चीज़ों को घर से हटाओ, डस्ट और डस्ट वाले माइट को आप करो. देखिए, जब आप अस्थमा एक एलर्जी है, डस्ट है, तो डस्ट एलर्जी का मतलब है कि टाइनी टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं बहुत कॉमन, जिसको डस्ट माइट्स कहते हैं, जो एक्चुअली डस्ट के ऊपर रहते हैं. ये डस्ट के वजह से एलर्जी का मेन कॉज है. बहुत माइन्यूट डस्ट माइट होते हैं, बहुत टाइनी टाइनी. ये डस्ट माइट आपको नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं. और ये जो डस्ट माइट है आपके घर में होते हैं, आपके बेड के ऊपर, आपके मैट्रेस के ऊपर, आपके बॉक्स स्प्रिंग वाले जो वो मैट्रेस है उसके ऊपर, सबके ऊपर होते हैं. सो इन डस्ट माइट्स में प्रॉब्लम है. दूसरा, आपके घर में जो अलग से डस्ट है वो भी छोटे छोटे टाइनी पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, उसमें मोल्ड्स यानी एक तरीके का फंगस हो सकता है, उसमें फाइबर्स हो सकते हैं, जो कपड़ों के ऊपर के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स, अलग टाइप के फाइबर्स, डिटर्जेंट्स हो सकते हैं जो लगे पड़े हों धोने के बाद. इन सब चीज़ों से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है. तो इसीलिए आपको ध्यान देना होगा घर में, अपने घर में चीज़ों को. क्या कर सकते हैं आप अपने और अपने बच्चों का एक्सपोजर इन चीज़ों से कम करने के लिए, जितने भी पर्दे हैं, जितने भी ब्लाइंड्स हैं, उनको जो क्लॉथ है, जो ड्रेप है, वो करके रखिए. राइट, सॉरी, दैट वाज अ स्मॉल ग्लिच, सो करेक्ट कर दिया है. सो हम कह रहे हैं ऑल रिप्लेस ब्लाइंड्स दैट हैव एनी काइंड ऑफ स्लैट्स और क्लॉथ ड्रेप्स एंड विथ पुल डाउन शेड्स. जो शेड आते हैं ना एकदम फाइबर का आता है, एकदम ऐसे करके नीचे कर लो खत्म, वो वाले पर्दे लगा लिए घर में. राइट, उसमें डस्ट ज़्यादा नहीं लगती है. जो ऐसे ऐसे वाले पर्दे होते हैं, जो ये वाले पर्दों में बहुत डस्ट लगती है, तो अस्थमा वाले लोग ये वाले पर्दे ना लें, वो लें ऐसे पुल डाउन वाले सिंपल पर्दे, या जो लकड़ी के आते हैं, जो दूसरे आते हैं फाइबर के, उस तरीके के पर्दे लें. और जो फैब्रिक और कारपेट्स होते हैं उसको आप हटा लें. आपके जो भी फैब्रिक या फर्नीचर है जिसके ऊपर इस तरीके का फाइबर है, कपड़ा है, कारपेट है, ये सब हटा के वुडन लकड़ी वाले या लेदर वाले, वुडन लकड़ी वाले, लेदर वाले या विनाइल वाले सोफे, फर्नीचर्स ये ले लें. राइट, इनसे आपके डस्ट और एस्थमेटिक एलर्जी वाले सब्सटेंसेस इकट्ठे होना कम हो जाएगा. हम अगर कुशंस हैं और जो दूसरे ऐसे कोई क्लॉथ जिनके ऊपर कपड़ा होता है, उन चीज़ों के ऊपर सोना या लेटना अवॉइड करें, क्योंकि कुशंस के अंदर जो रुई होती है उसमें माइट्स हो सकते हैं, एस्थमेटिक ट्रिगर्स हो सकते हैं. उनकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा बेड के ऊपर लेटिए. और जो आप ये लेंगे बेडशीट, मेक श्योर करिए कि वो जो फाइबर हो वो क्लीन हो, और उसको हमेशा रोज बदलिए. राइट, इंपॉर्टेंट चीज़ है. और जो भी आपके घर में कारपेट है उसको लकड़ी से या हार्ड फ्लोरिंग, टाइल्स, फ्लोरिंग, मार्बल, इनसे रिप्लेस कराइए, ये ज़्यादा बेहतर है. कारपेट वारपेट मत रखिए, ये चीज़ें करनी पड़ेगी. आपके घर में अगर मैट्रेसेस, बॉक्स स्प्रिंग और पिलोज वाले जो होते हैं ना, वो थोड़े से अवॉइड करिए. लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर ही रहे हो कि पिलोज है, बॉक्स स्प्रिंग है, तो फिर उसके ऊपर आपको माइट प्रूफ कवर आते हैं, माइट डस्ट माइट प्रूफ कवर्स, वो कवर चढ़ाइए. बेडिंग जो होती है उसको वॉश करिए, पिलोज को वॉश करिए एक गर्म पानी में. टेम्परेचर जो दिया गया है करीब 130-140 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर वाले पानी में आपको उसको गर्म पानी में वॉश करना है, डिटर्जेंट डाल के कम से कम हफ्ते में एक बार उसको अच्छे से गर्म पानी में, बाकी टाइम पे रेगुलर पानी में वॉश करिए. हर रोज़ हर बार गर्म पानी में करेंगे तो आपके ख़राब हो जाएंगे कपड़े, वो भी हम समझते हैं. तो ये चीज़ करें. उसके बाद में एयर जो घर के अंदर है उसको ड्राई रखिए.
डस्ट माइट मॉइस्ट एयर में आती है, तो मॉइस्ट एयर के लिए आपको क्या करना है, ह्यूमिडिटी लेवल आपको कम रखना है 30 to 50 degrees, वो गिर नहीं सकते हैं। एसी वेसी जो होते हैं वैसे ड्राई कर देते हैं, डी ह्यूमिडिफायर होते हैं उसमें, तो डी ह्यूमिडिफायर अगर आप बहुत ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट में है, मुंबई जैसी जगह में है, तो डी ह्यूमिडिफायर